हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने साइंस एंड टेक लेक्चर सीरीज़ के काफ़ी सारे पिलर्स कवर कर लिए हैं और अभी तक हमने आईटी से रिलेटेड ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ द थिंग्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या है, उनके यूजेज और साथ साथ उनकी लिमिटेशंस क्या है। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि उनके यूजेस और उनके डिसएडवांटेज एडवांटेजेस क्या हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमारे को क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ द वीडियो, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी होती क्या है, व्हाट इज ऑगमेंटिंग, यानी व्हाट इज ऑगमेंटिंग। ठीक है, उसके साथ साथ हम उसके कंपोनेंट्स देखेंगे, जो भी बेसिकली एक डिवाइस को ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, यानी उस एक डिवाइस में वो जो ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगाने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड यूजेस एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे, ताकि हम ये जान सके कि क्योंकि हर एक न्यू यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की कुछ ना कुछ यूजेस होते हैं, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। और ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि यूपीएससी इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, या तो यूजेस पे या लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्चुअल रियलिटी में, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि वर्चुअल रियलिटी के टाइप्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस और उसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी उसमें क्या क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे, इन दोनों टॉपिक को कवर करने के बाद हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी ने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो जिसके बाद वही क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे देना है। चलिए पढ़ते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है। सबसे पहले ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं, व्हाट इज दिस। बेसिकली ऑगमेंटेशन का मतलब ही क्या है कि जो डिवाइस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कुछ एक नया फीचर ऐड कर देना, या एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो। और अगर मैं ये कहूं कि ऑगमेंटिंग रियलिटी क्या करती है, जो हमारी डिवाइसेस होती हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देती हैं जिनके थ्रू हम अगर रियल वर्ल्ड को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर मैं एक स्पेक्स की बात करूं, अगर मैं अपने स्पेक्स में ऑगमेंटेड रियलिटी का एक फीचर डाल दूंगा, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी एबल टू टेल मी कि हमारे जो अगर मेरे सामने ये पेन है तो ये पेन का साइज कितना है, इसकी टिप की इसकी टिप जो है बेसिकली कितनी उसकी थिकनेस है, ये सारी चीज़ वो मुझे बता सकेगा। लेकिन अगर मैं अपने नॉर्मल स्पेक्स की बात करूं तो जिससे सिर्फ मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं जान सकता कि इसकी हाइट कितनी है, इसका डायमीटर कितना है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं जान सकता। तो ऑन दैट बेसिस ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, इट इज़ एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ रियल फिजिकल वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या बताता है कि जो एक्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स डाल दिए गए हैं। एडिशनल फीचर्स का मतलब है कि अगर मैंने जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर मैं अपने स्पेक्स को नॉर्मल अपने नॉर्मल स्पेक्स के यूज करता हूं तो सिर्फ मुझे क्या दिख रहा है कि ये पेन है, लेकिन अगर मैं उस डिवाइस को जो कि क्या होगा ऑगमेंटेड रियलिटी उसमें एग्जिस्ट कर रही होगी, दैट मींस वो ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड होगा, तो क्या कर सकेगा वो इस चीज की अपनी यानी इसके फीचर्स तक बता सकेगा कि उसको क्या कर सकेगा, उसको इवन ये देख पाएगा कि ये किस चीज का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है, ये सारी चीज भी आपको वो बता पाएगा। ठीक है, और वो सारी की सारी चीजें आपके इस स्पेक्स पे आपके उस स्पेक्स की स्क्रीन पे शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो दैट इज रिकॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसको आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा। अगर आपने कभी स्पाई रिलेटेड मूवीज हो जिसमें आपने डिटेक्टिव होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपने मैं एक एग्जांपल दूं जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज में, उसमें क्या होते हैं वो इसी तरीके की ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड क्या करते हैं डिवाइसेस का भी उन्होंने यूज करा है उसमें। ठीक है, तो वहां पर क्या है, वो क्या करते हैं, वो अपने डिवाइस में उसको उनका डिवाइस ऑगमेंटेड रियलिटी जब अनेबल्ड होता है तो वो उनके सामने कोई भी रियल वर्ल्ड जो है, हमारे सामने जो रियल वर्ल्ड है, हम उसको क्या कर पाते हैं, उसको और अच्छे क्लियरली देख पाते हैं, उसमें एड ऑन फीचर ऐड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरे सामने एक बिल्डिंग खड़ी है तो मैं ये नहीं बता सकता कि उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, लेकिन अगर वो ऑगमेंटेड रियलिटी अनेबल्ड अगर वो डिवाइस मैंने अगर मैं अपने आईज पे डाल लूंगा और वो जब मैं उस बिल्डिंग की तरफ देखूंगा तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी अनेबल्ड डिवाइस क्या
करेगा उस बिल्डिंग की हाइट, उसकी विथ और उसकी वो किस मटेरियल से बना है, इवन ये सब चीजें भी बता सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि वो उसमें क्या क्या फीचर्स डाले गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी इज एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ रियल फिजिकल वर्ल्ड दैट इज अचीव थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल विजुअल एलिमेंट्स सच एज साउंड एंड अदर सेंसरी स्टिमुली डिलीवर्ड वाया टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या हो रहे हैं, ये क्या करा जा रहा है, ये बेसिकली उन फीचर्स को एड ऑन प्रोवाइड कर रहा है। एड ऑन मतलब कि अगर मैंने अभी आपको जैसे एग्जाम्पल दिया है स्पेक्स का, उसी तरीके से और भी मार्केट में हमारे क्या करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइस एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली उनका काम ही क्या है, जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड है। अगर हम अपने उन डिवाइसेस को ना पहने तो हमारे सामने सब कुछ रियल वर्ल्ड है, लेकिन अगर मैं उस डिवाइस को अपनी आईज पे वियर कर लेता हूं, या वो बेसिकली वो डिवाइस क्या होती है, हमारे स्मार्ट वॉच से भी कनेक्ट हो सकती है, तो जब वो सारी चीजों को मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों को अगर मैं अपने आईज पे पहन कर देखूंगा, यानी मेरे सराउंडिंग में जितने भी रियल वर्ल्ड में कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है, चाहे वो मेरा ये फोन ही क्यों ना हो, ठीक है, वो ये तक बता सकता है कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, दैट डिपेंड्स कि उसमें क्या क्या वो किस तरीके से डिजाइन करा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, दैट इज बेस्ड ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी। और उसका जो प्राइमरी गोल क्या है, इट इज टू हाईलाइट द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेरे सामने बिल्डिंग है तो मैं बिल्डिंग की हाइट नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उसकी हाइट नहीं पता है, लेकिन वो डिवाइस क्या है, उसके पास ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड जो डिवाइस होगा वो मेजर करके बता सकता है कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, वो ये बता सकता है इस पेन की हाइट कितनी है, या उसका डायमीटर कितना है, उसकी थिकनेस कितनी है, ये सारी चीज क्या है वो बता सकता है। दैट इज दिस वन, द प्राइमरी गोल इज टू हाईलाइट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, एंड इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फीचर्स। ठीक है, अगर मुझे सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक और, कि अगर एक आर्टिस्ट है यानी आर्किटेक्चर है जिसको इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, या एक कोई आर्किटेक्चर है जिसको बिल्डिंग बनानी है, तो वो क्या कर सकता है, वो इन डिवाइसेस का यूज करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है। कैसे, कि उनको एक तरीके से बनाया जाए, कि क्या करा जाए, कि उनके सामने क्या है, एक एरिया दे दिया जाएगा, और वो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अपनी बिल्डिंग को उस डिवाइस का यूज करके वर्चुअल वर्ल्ड में बनाना स्टार्ट कर देंगे। वर्चुअल वर्ल्ड में मतलब कि वो उसको क्या करेगा, कि अभी क्या है, खाली स्पेस है, अगर मैं देखूंगा नॉर्मल आइज से वो खाली स्पेस है, लेकिन वो क्या करता है, वो डिवाइस उस पर्सन को क्या करेगा, क्या शो करेगा, उसके स्पेक्स में क्या शो होना स्टार्ट हो जाएगा, कि धीरे 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 अगर मैं बिल्डिंग बनाना चाहूं तो मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीज अगर मैं यूटिलाइज स्टार्ट कर दो तो किस तरीके से एक बिल्डिंग को डेवलप करा जा सकता है, तो वो सारी चीजें क्या है, हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू भी करी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एंड दैट ड्राइव्स द स्मार्ट एंड एक्सेसिबल इनसाइट दैट कैन बी अप्लाइड टू द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जो यानी रियल वर्ल्ड में ऑलरेडी जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें एड ऑन्स करना, एड ऑन्स मतलब उनके फीचर्स बताना। अगर मेरे सामने कुछ भी रखा हुआ है तो वो डिवाइसेस क्या बता सकते हैं, वो ये बता सकते हैं कि उसके क्या क्या फीचर्स है, फीचर्स मतलब उसकी हाइट कितनी है, थिकनेस कितनी है, उसका किस मटीरियल से बना है, ये सारी चीज वो बता सकते हैं, लेकिन हमारी नॉर्मल आईज ये सारी चीजें नहीं बता सकती। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज वी कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। व्हाट डू मीन बाय ऑगमेंटेड रियलिटी, कि मतलब हमने क्या करा है, एक डिवाइस को ऑगमेंटेशन करा है, यानी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ला दी है, कि वो क्या कर सकता है, कि वो नॉर्मल डिवाइसेस से थोड़ा क्या है, इंप्रूव हो गया है, और वो क्या कर सकता है, हमारे रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को हमारे सामने क्या कर सकता है, शो कर सकता है। दैट इज वी कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे कि आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, कि बेसिकली क्या है, दिस इज द स्पेक्स व्हिच दिस पर्सन इज वेयरिंग। ठीक है, और ये स्पेक्स के अंदर क्या है, ये सारे क्या है, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर ये सारी चीजें क्या है, इंफॉर्मेशन शो हो रही है। वो क्यों शो हो रही है, क्योंकि उसने वो जिस चीज को वो देख रहा है, ये पर्सन, वो उसके सामने क्या है, वो क्या कर रहा है, उसको मेजर कर रहा है, मेजर इन द सेंस कि वो देख रहा है कि उसके मतलब उसके अंदर होते क्या है, इन सब चीजों के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सारे कंपोनेंट क्या करते हैं, सामने
कि एक डिवाइस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उस चीज से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और वो क्या करते हैं फिर, वो फिर उसको शो करते हैं इन स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं जिससे आपको ये सारी चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे पहला कॉम्पोनेंट आता है सेंसर्स, ठीक है। सेंसर्स जैसे कि आपको यहां पर दिखाऊं मैं, ये क्या है, इट इज अ गॉगल, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक गॉगल है, ठीक है, जिसमें क्या है कुछ हमारे सेंसर्स लगे होते हैं और उसके साथ साथ क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। यानी प्रोसेसिंग मतलब उसमें प्रोसेसर लगा होता है, जैसे कि हमारे सीपीयू होता है या अगर हमारा जीपीयू होता है, दीज आर प्रोसेसर, ठीक है। क्यों ये सारी चीजें भी उसमें लगी होना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना प्रोसेसर के कोई भी इंफॉर्मेशन ये जो सेंसर्स और कैमरास जो गैदर करेंगे वो क्या कर सकते हैं, वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और जब तक प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तब तक वो आपको बता नहीं पाएंगे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ये दोनों प्रोसेसर और सेंसर्स क्या करते हैं, सबसे पहले कैमरा और सेंसर्स इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। कैसे गैदर करते हैं, कैमरा क्या करेगा, सामने की इमेज को क्या कर लेगा, गैदर कर लेगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इस डिवाइस को पहन के एक बिल्डिंग के सामने खड़े हैं तो वो क्या करेगा, हम कैमरे के थ्रू उस बिल्डिंग की इमेज या इस पेन की इमेज या मेरे मोबाइल फोन की इमेज क्या होगी, मेरे इस डिवाइस के अंदर चली जाएगी और ऑटोमेटिकली जैसे ही ये जो आपकी इमेज है वो क्या करेगी, इस डिवाइस के अंदर जाएगी, तो जो प्रोसेसर होगा यानी सीपीयू या जीपीयू ये सारी चीज क्या करेंगे, उसके अलावा और भी इसके अंदर प्रोसेसर लगे होते हैं, दैट डिपेंड कि कौन सा, हर किसी के अलग अलग वर्जन है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये प्रोसेसर क्या करते हैं, उस इमेज को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद वो ये बता पाएंगे कि आपके जो आपकी जो बिल्डिंग है या आपका जो पेन है या आपका फोन है वो उसकी हाइट कितनी है या भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और जो भी वो ये जो डिवाइस आपको दे सकता है वो क्या करेगा, आपको दे देगा। और वो कैसे दे देगा आपको, वो क्या करेगा, बेसिकली यहां पर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। एक प्रोजेक्शन होता है और एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या करता है, बेसिकली यहां पर देखते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन में क्या होता है, बेसिकली मिरर्स, सॉरी रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बेसिकली मिरर्स लगे होते हैं। मिरर्स मतलब कि जो आपका डिवाइस है, ये जो डिवाइस है यहां पर दो ग्लास लगे होते हैं, ये जो आपके है वो डबल लेयर होती है या ट्रिपल लेयर होती है। एक डिवाइस तो क्या करता है, सामने से जो लाइट आ रही है उसको आपको बचाता है, ठीक है। और जो दूसरी लेयर होती है वो क्या शो करती है, जो भी आपकी जो इमेज जो है इस सेंसर और कैमरे के थ्रू अंदर गई है और जो प्रोसेसर ने प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है और उसके ऊपर उसको प्रोसेस करा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, अंदर वाली ग्लास की लेयर पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और बाहर वाली लेयर क्या होती है, बाहर वाली लेयर उस इंफॉर्मेशन को, उसको बाहर जाने से रोकती है, यानी वो सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ आपको ही शो होगी, यानी उसी पर्सन को ही शो होती है जिसने वो ये जो डिवाइस है वियर कर रखा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो काम करती है, ठीक है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि भाई मैंने क्या करा, एक मेरा ये स्पेक्स है उसमें मैंने क्या करा, दो ग्लास की लेयर लगा दी, एक फ्रंट लेयर है और एक बैक लेयर है। बैक लेयर क्या करती है, हमारे जितनी भी प्रोसेस हुआ है यानी जितनी भी इमेज और सेंसर्स के थ्रू और कैमरे के थ्रू गई है और वो जो प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होकर आई है वो क्या करेगी, वो उसको क्या करेगी, अंदर वाली लेयर पे, अंदर ग्लास की अंदर वाली लेयर पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी मेरी जो इंफॉर्मेशन जो हुई है यानी मेरी जो प्रोसेस हुई है मैं उसको क्या कर सकता हूं, किसी पर्सन पर या किसी वॉल पर या किसी भी डिवाइस पर मैं क्या कर सकता हूं, उसको प्रोजेक्ट कर सकता हूं। प्रोजेक्ट इन द सेंस कि अगर मेरे सामने ये पेन है तो मैं उस इंफॉर्मेशन को इसी पेन पे भी प्रोजेक्ट कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मुझे यहां पर इंफॉर्मेशन जैसे जस्ट लाइक अ 3D चीजों, जैसे जैसे मैं 3D चीज नजर आती है तो वैसे मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे, अगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस होकर वापस आई है वो क्या करूं, उसको प्रोजेक्ट कर दूं, जैसे कि एक नॉर्मल प्रोजेक्टर काम करता है। आपने देखा होगा प्रोजेक्टर
प्रोजेक्टर्स अगर आपने डिजिटल क्लासेस देखी हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं अपनी इमेजेस को एक वॉल पे क्या करते हैं फॉल करते हैं, तो जितनी भी इमेजेस होती है वो जब वॉल पे जाती है तो वो सारी की सारी चीजें आपको शो होती है। उसी तरीके से वही प्रोजेक्टर यहां पर लगे होते हैं और वो प्रोजेक्टर क्या करते हैं इस वॉल पे या किसी पर्सन पे या जिस भी डिवाइस को या किसी भी चीज की आपने इंफॉर्मेशन ली है यानी जो भी इमेज इस कैमरे और सेंसर के थ्रू गैदर हुई है आप क्या कर सकते हो उसको उसी चीज पे शो कर सकते हो यानी उसी पे आप उसको माउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है हमारे कंपोनेंट है इसके। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है इट्स बेसिकली द कंपोनेंट्स थ्रू विच अवर ऑगमेंटेड रियलिटी वर्क्स। क्योंकि अगर हमें वर्किंग नहीं पता और अगर हमें ये ही नहीं पता कि ऑगमेंटेड रियलिटी किस तरीके से काम करती है तो हम इमेजिन नहीं कर सकते और हम सोच नहीं सकते कि एक्चुअल में ऑगमेंटेड रियलिटी होती क्या है। एक डेफिनेशन पढ़ना बहुत आसान है लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हमें उसकी वर्किंग पता होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये भी क्या है ये ऑगमेंटेड रियलिटी का ही एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या है एक पर्सन ने क्या कर रखा है एक ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइस क्या कर रखा है पहन रखा है और उसने क्या कर रखा है किसी वो क्या कर रहा है इमेज को प्रोजेक्ट कर रहा है वॉल पर। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको ये बड़ी सी इमेज नजर आ रही है वो एक वॉल पे एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रही है और उसने ये जो डिवाइस पहना है वो बेसिकली क्या कर रहा है इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे हैं जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर क्या है ये जो आपके मोबाइल फोन है उसमें क्या करा है उसने क्या करा है एक पीछे रखे हुए इंस्ट्रूमेंट को पहले इमेज को कैप्चर करा और फिर उसके बाद उसने क्या करा उसकी इंफॉर्मेशन उसने एक्स्ट्रा उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसने देखी कि भाई ये डिवाइस क्या है फिर उसको प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद उसको क्या करा उस मोबाइल में उस जो पीछे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन शो करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये कंपोनेंट कौन सा है 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 और ये कंपोनेंट कौन सा है और ये किस तरीके से काम करते हैं ये सारी चीज भी क्या कर सकता है आपके ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइस क्या कर सकते हैं आपको बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास नॉर्मल जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अवर ऑगमेंटेड रियलिटी जो कि आपने देखा भी होगा और अगर आप कभी Amazon पे अगर सर्च करेंगे तो आजकल Amazon और Flipkart जैसे जो बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं आई मीन बड़ी-बड़ी ई-कॉमर्स जो हमारी फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं इन पे बहुत ज्यादा अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और आपने देखा होगा इनकी वो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी करती है। और आप जैसे कि देख रहे हैं यहां पर आपको ये लेंस नजर आ रहा होगा दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अवर ऑगमेंटेड रियलिटी जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है। ठीक है, यहां पर क्या है जो काम ये बड़े बड़े डिवाइसेस करते हैं वही काम क्या करेगा ये लेंस भी कर पाएगा इन फ्यूचर में भी। वो क्या होगा किस तरीके से कनेक्ट होगा वो इन फ्यूचर जब हम हमारे सामने ये चीज आएंगी तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे और आगे डिस्कस कर पाएंगे। तो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो यही करती है कि जो आपके रियल वर्ल्ड में यानी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड है वो क्या करती है उसको उसकी फीचर्स को एक्सप्लेन करती है उसके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन वो उस इमेज उसकी इमेज को लेने के बाद कैप्चर करने के बाद उसको जब वो प्रोसेस करती है तो वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है एक जो पीछे प्रोसेसर्स लगे होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया सीपीयू या जीपीयू वो क्या करते हैं उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं उस इंफॉर्मेशन को आपको प्रोजेक्ट करते हैं रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर। ठीक है, और उसके साथ साथ आप उसको क्या कर सकते हैं प्रोजेक्शन के यूज करके उसमें जो डिवाइस में प्रोजेक्शन लगे होते हैं उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं कहीं पे भी उस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हैं फॉल करा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चाहे वो आप वॉल पे करा रहे हैं या फिर आप उसको किसी भी चीज पे करा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है बेसिकली इसमें इसके आते हैं एडवांटेज। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है इट एनहांस द इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। जैसे कि बताया मैंने इट एनहांस एंड प्रोवाइड्स अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है आपके पास उस चीज की इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसी भी चीज की, जो रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट कर रही है चीजें, आपको ऑलरेडी उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर आपके सामने कोई बिल्डिंग है या आपके सामने कोई कार है या मोटर व्हीकल है, आपको नहीं पता कि वो जो बाइक है या वो जो कार है वो उसका कितने सीसी का इंजन है, उसकी डायमेंशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप उस डिवाइस को वियर करते हो और वो डिवाइस क्या करती है उसको ऑन करने के बाद, और जब वो डिवाइस क्या करती है उस कार की या उस व्हीकल की या जो भी जिस भी आप ऑब्जेक्ट को प्रोसेस कराना चाहते हो, वो क्या करेगी, उसकी इमेज लेगी, उसको प्रोसेस करने के बाद वो आपको ये बता सकती है कि ये बाइक क्या है, इसका नाम ये है, उसका इतना सीसी का इंजन है, उसके ये फीचर्स हैं। तो वो सारी चीजें क्या है आपको क्या करेगी, वो सारी चीजें आपको ये augmented reality enabled device बता पाएगी। That's why it enhance the interaction and provide a better user experience. और उसके साथ it blurs the line between the real and the digitally generated world. जैसा कि मैंने बताया आपको बेसिकली क्या है, रियलिटी रियल वर्ल्ड में जो ऑलरेडी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और जो ऑलरेडी और जो चीजें हमारे डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं उनके बीच की जो लाइन है वो क्या कर रही है, उसको कम करने की कोशिश करा जा रहा है। ठीक है, बेसिकली अभी हम आगे जो पढ़ेंगे दैट इज द वर्चुअल रियालिटी, और वर्चुअल रियालिटी क्या होती है उसमें आपको ये जो लाइन है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, रियालिटी विद मोर इन्फॉर्मेशन एडेड टू इट दैट इज नॉर्मली नॉट अवेलेबल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या है, उसमें ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं पता है, लेकिन वो डिवाइस क्या कर सकती है, आपको वो इंफॉर्मेशन बता सकती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस आर प्रेजेंटेड मोर एक्यूरेटली थ्रू ऑगमेंटेड वीडियो देन द नॉर्मल वीडियोस। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर सकती है, ये आपको ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू बताई जा सकती है। उसके साथ साथ क्या, इट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन इंक्लूडिंग मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड इंडिविजुअल। जैसे कि जो कि आपने देखा होगा फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं वो इन चीजों का यूज नहीं कर सकते अगर हम नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो। लेकिन जो हमारे हमारे मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा, अगर उनको ये डिवाइस दे दिया जाए तो वो भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका जो डिवाइस होता है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइस है, अगर एक बार उसको ऑन कर दिया जाए बस उसका काम उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली इमेजेस को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली उस चीजों को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है आपको, यानी उस फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन को कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई दीस टाइप्स ऑफ पर्सन, यानी जो हमारे मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो भी इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, हैवी यूजेस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोसिस, जिसके बारे में अभी अगर हम पढ़ने वाले हैं कि जो इनके यूजेस हैं बेसिकली उससे हमें देखने को मिला है कि हमारा जो इसका अगर इसका हेल्थ सेक्टर में यूज करा जाए तो क्या करा जा सकता है कि हम बहुत सी लाइफ को सेव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हम आगे यूजेस में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं इसके डिसएडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, यानी कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती है, उसको परफेक्ट होने में उसको परफेक्ट तो कोई भी चीज नहीं हो सकती है, लेकिन उसको एक अच्छी लेवल पे एक्यूरेसी में पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो जिस वजह से उसके क्या है बहुत सारी चीजें उसमें डिसएडवांटेज देखने को मिले हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ प्राइवेसी। जैसा कि अगर मैंने आपको बताया कि जो भी डिवाइस ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड है तो ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मे बी शायद वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो उसमें प्राइवेसी नाम की जो हमारा सबसे बड़ा इशू रहेगा वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जो भी चीज वो कैप्चर करेगा, जो भी इमेज कैप्चर करेगा या वो कोई भी इंफॉर्मेशन वो हमारी दे सकता है, और वो क्या कर सकता है, वो दूसरी डिवाइसेस को या जो मेन फर्म्स हैं जिस फर्म से वो हमने डिवाइस परचेज करी है वो उसको हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। इवन हमने देखा है कि हमने ये भी देखा था कि जब हमने इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के बारे में पढ़ा तो उसमें भी क्या था, उसमें भी हमारा ये सबसे बड़ा कंसर्न था। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उधर हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन की हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के हैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसीलिए हमारे को इन चीजों से हमारा हमेशा यही रहता है कि हम इन चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। ऑगमेंटेड रियलिटी आर कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन, जैसा कि बहुत नॉर्मल सी थिंग है क्योंकि अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और जो प्रोसेसर हमारे को बड़े बड़े लैपटॉप्स में मिलते हैं या बड़े बड़े मोबाइल फोन्स में मिलते हैं उसको और भी ज्यादा कंसाइज करा जा रहा है। कंसाइज मतलब उसको और भी छोटा करा जा रहा है, दैट्स वाई उसको जब जितना ज्यादा छोटा करा जाएगा तो उसको बनाने की कॉस्ट उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके साथ स्पैमिंग या फिजिकल डेंजर, अनऑथराइज्ड ऑगमेंटेड एडवर्टाइजिंग, दीज आर बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ दी अवर ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइसेस। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें भी क्या है हमारे लिए बहुत बड़े कंसर्न्स हैं, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है स्पैमिंग हो सकती है उसमें, उसके साथ साथ क्या है कि जो हमारी अनऑथराइज ऑगमेंटेड एडवर्टाइजिंग मतलब कि आप कोई भी अगर वो जो डिवाइस है उसको कोई हैक कर ले तो क्या होगा, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है या कॉन्टीन्यूसली कोई भी जिस भी फॉर्म से आपने उस डिवाइस को परचेज करा है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो बैकग्राउंड से किसी एडवर्टाइजमेंट को क्या कर सकते हैं आपके डिवाइस पे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द कंसर्न्स ऑफ आवर ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइसेस। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें आप देखते हैं कि इसके यूजेस क्या है। जैसे कि मैंने बताया इसके यूजेस में हमारे सबसे पहले आता है इसका इंडस्ट्रियल यूज, जैसे कि क्या है इसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करा जा सकता है। ट्रेनिंग कैसे, कि कोई भी न्यू कमर है या बिल्कुल जिसने जो भी फ्रेशर होता है उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एक मशीन या कोई भी इक्विपमेंट चलाने को नहीं दे सकते। ठीक है, तो उसको क्या करा जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइसेस पे क्या कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि उसको क्या हो सके, उसको इंफॉर्मेशन मिल सके कि जब वो उस चीज को देखेगा उस डिवाइस को पहन के उसको देखेगा तो ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइस क्या करेगी, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या एक पर्टिकुलर मशीन के बारे में उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी और उसको पहले से थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाएगी जिसका यूज करके क्या कर सकते हैं उसको फर्दर जो है मेन पर्पस के लिए उस पर्सन को यूटिलाइज करा जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसका हेल्थ केयर में यूज करा जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगेन आपके जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं या जो MBBS कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करा जाए अगर वो डिवाइस पे ना के उनको ऑपरेशन के टाइम पे क्या करा जाए उनको सामने खड़ा कर दिया जाए, तो जब ऑपरेशन होगा तो वो डिवाइस क्या करेगा उन चीजों की इमेजेस कैप्चर करेगा और इमेजेस कैप्चर करते टाइम क्या करेगा वो आपको उनको बता पाएगा कि ये चीज ये है, यानी ये ऑर्गन ये है, ये ऑर्गन ये है, इसका इस तरीके से सर्जरी हो रही है, ये तरीके से ये हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है ऑगमेंटेड एनेबल्ड, जो हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइसेस हैं ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं उन पर्संस को शो कर सकती हैं, क्योंकि इट्स अ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगी इमेज को कैप्चर करेगी, अगेन हर बार जब इमेज कैप्चर होगी पीछे प्रोसेस होगी और प्रोसेस कैसे होगी उसमें जो प्रोसेसर डाला होगा उसमें जो प्रोग्रामिंग होगी एक पर्टिकुलर डिवाइस क्या करती है एक पर्टिकुलर काम पे ही क्या करती है प्रोसेस करती है, यानी वो क्या करेगी इमेजेस को कैप्चर करेगी, यानी उस डिवाइस को इस तरीके से बनाया होगा कि वो हेल्थ सेक्टर में ही काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर के मतलब कि उसमें जितना भी डेटा होगा उसके प्रोसेसर के अंदर वो किससे रिलेटेड होगा, ओनली रिलेटेड टू अवर हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, तो क्या करेगी जितनी भी ऑर्गन की इमेज वो कैप्चर करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके डेटाबेस में वो सारी चीजें ऑलरेडी रखी हुई है, वो क्या करेगा उस चीज को अपने डेटाबेस से मैच करेगा और ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि वो सारी चीज क्या है। तो जैसे ही उसको पता चल जाएगा प्रोसेसर के थ्रू यानी उस डिवाइस को, तो क्या करेगा उसको रिफ्लेक्शन स्क्रीन पे क्या करेगा शो करना स्टार्ट कर देगा और अगर उसको चाहे तो वो उसी ऑर्गन पे भी प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि वो उसको किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो भी एक प्रोसेसर है प्रोसेसर में अगर डेटा नहीं होगा तो वो प्रोसेस नहीं कर सकता और अगर डेटा नहीं है तो उसको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, यानी IoT ऑफ द IoT जिस पे हम पहुंच जाते हैं। क्यों, क्योंकि IoT है तो वो क्या करेगा मेन जो सर्वर है जिस भी ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइस जिस सर्वर से कनेक्ट है उस सर्वर पे सारा डेटा होगा, यानी उस सर्वर पे सारा डेटाबेस पड़ा है, वो क्या करेगा वो डिवाइस इमेज को कैप्चर करेगा और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा उस सर्वर को यानी भेज देगा उस इमेज को और वो क्या करेगा वहां पे डेटा प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद फिर वापस आएगा आपकी डिवाइस के पास और फिर क्या होगा वो रिफ्लेक्शन स्क्रीन पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको बनाएं यानी उसको एक हेल्थ सेक्टर के लिए बनाएंगे तो क्या होगा उसमें ऑलरेडी एक चिप लगी होगी और वो चिप क्या करेगी उसमें ऑलरेडी इतना सारा डेटा होगा कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है जो भी इमेज कैप्चर करेगा उस पर्टिकुलर अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर
सेक्टर के लिए वो बनाई गई है और वो पर्टिकुलर सेक्टर की इमेज को कैप्चर करता है तो उसको प्रोसेस करके इमीडिएटली आपको शो कर देगा। यानी वो डेटा जो है इंटरनेट का यूज करते हुए कहीं दूसरे सर्वर पर नहीं जाएगा और वहां पर डेटा प्रोसेस नहीं होगा, दैट विल टेक टाइम। ठीक है, तो वो क्या है चीजें, टाइम डिले होगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये सारे डिवाइस एक स्पेसिफिक पर्पस यानी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाई जाती हैं। ठीक है, उसी तरीके से इनके जो यूज है हमें देखने को मिलते हैं, अगेन 3D विजुअलाइजेशन है बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा इसको मार्केटिंग पर्पस के लिए भी यूज करा जा सकता है, मार्केटिंग में भी इसका यूज काफी अच्छे तरीके से करा जा सकता है। उसके साथ साथ किस लिए करा जा सकता है इसका यूज, बेसिकली एजुकेशन और मिलिट्री में करा जा सकता है। अगेन जैसा कि बताया कि एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द हिस्ट्री एंड फिजिक्स टू वोकेशनल, इसका हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी रियलिटी बेस्ड, जितनी भी हमारी जो भी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको 3D इमेजेस को शो करके हुए यानी 3D इमेजेस में बना के कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पस के लिए उनका यूज करा जा सकता है, साथ साथ मिलिट्री में उसका यूज करा जा सकता है, इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेनिंग में उनको क्या करा जाए, अगर मिलिट्री में अगर मैं बात करूं तो क्या कर सकते हैं, हम उनको एक एनवायरमेंट दे देंगे जिससे क्या होगा उनको एक एक यानी एक जो, अगर मैं पायलट की बात करूं तो पायलट में हम क्या कर सकते हैं, पायलट को पर्टिकुलर ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड जो एक डिवाइस कह सकते हो या फिर उसको कह सकते हो कि ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड एक एरिया होगा जिसमें क्या होगा, उसको एक पायलट यानी उसको प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया जाएगा, यानी उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा दैट विल बी रियल लाइक। ठीक है, यानी रियल इन द सेंस उसको ऐसा लगेगा कि वो क्या है, एक तरीके से वो क्या कर रहा है, एक्चुअल प्लेन उड़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका मिलिट्री में भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ हम उसका रिटेल और इमरजेंसी रिस्पॉन्स यानी पुलिस वगैरह, पुलिस फायर सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज में भी इसका यूज करा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे वो कोई भी नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उसको वो सारी चीजें सामने शो जरूर हो रही है लेकिन उसको इंफॉर्मेशन उसको नहीं पता। लेकिन अगर वो ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड जो डिवाइस है अगर उसको वियर कर लेगा तो वो डिवाइस क्या करेगा, वो उस के सामने कुछ भी आएगा उसकी इमेज को कैप्चर करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइस है जो काम करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बेसिकली लिमिटेशन। जैसे कि मैंने बताया कि हमने अभी तक इसके क्या क्या पढ़ लिए, एडवांटेज पढ़ लिए, डिसएडवांटेज पढ़ लिए, उसके साथ साथ हमने उसके यूजेस पढ़ लिए, तो उसके साथ साथ इसके लिमिटेशन क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्या है, लेटेंसी भी देखने को मिलती है। लेटेंसी मतलब कि उसमें डिले देखने को मिलता है, डिले इन द सेंस कई बार अगर प्रोसेसर स्लो हो जाए तो क्या होगा, कोई भी इमेज कैप्चर करने के बाद उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, जब प्रोसेसर को टाइम लगेगा तो वो क्या है, उसको उस इमेज को प्रोसेस करने के बाद आपको जो डेटा है आपको जो शो करना है रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर वो नहीं शो हो पाएगा। ठीक है, तो दैट विल टेक टाइम। उसी तरीके से क्या है, डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, डेप्थ परसेप्शन का मतलब क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज भी मिल सके, वो आपको उतनी ही नॉलेज देगा जो आपके उस प्रोसेसर में फीड करी गई होगी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, आपका पोर्टेबिलिटी एंड आउटडोर यूजेस, आप हर जगह उसका, कई बार ऐसे चीजें डिवाइसेस होती हैं कि सिर्फ आप उसका क्या कर सकते हैं, बाहर ही यूज कर सकते हैं या सिर्फ घर के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से क्या है, इन सबकी ये यानी जो ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइसेस हैं उसकी ये सारी हमारी जो लिमिटेशन देखने को मिलती है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो उसका देखने को मिलता है दैट इज द फैटिगनेस एंड आई स्ट्रेन, क्योंकि हमें पता है कि ये सारी डिवाइसेज जो है हमारे आईज पे लगेंगी, आईज जितना ज्यादा इतने पास से इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है हमारे को मिल तो रही है लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल आईज के इतनी क्लोज होती है जिस वजह से हमारी आईज में इवन कमजोर होने के यानी वीकनेस के चांसेस हो सकते हैं और उसमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ सकता है जिस वजह से लोगों को हेडेक होने के आसार दिखते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से अभी तक जो यूज कर रहे हैं जो हमारे एडवांस कंट्रीज में, अमेरिका या यूरोप जैसे कंट्रीज में जहां पर इन डिवाइसेस का यूज हो रहा है वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिली है। ठीक है, तो जिस वजह से क्या है अभी इनको लार्ज स्केल पे यूज नहीं करा गया है। ठीक है, यानी लार्ज स्केल पे अब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है लेकिन फिर भी इनको अभी इतना ज्यादा यूज में नहीं लाया गया है, यानी जो पीपल है यानी लोग जो है इनको अभी स्टिल इतना लार्ज स्केल पे यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द बेसिकली व्हाट दिस इज द लिमिटेशन।
इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑगमेंटेड रियलिटी अगेन क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी इज बेसिकली द एडिशनल फीचर, यानी कोई भी चीज रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करती है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता, इन द सेंस हम नहीं जानते कोई पर्टिकुलर चीज हमारे सामने आ जाए तो हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वही अगर मैं उस डिवाइस को पहन लूंगा तो वो डिवाइस क्या करती है, उस डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। कैसे, अगेन उसकी इमेजेस को कैप्चर करके उसको जो उसके अंदर प्रोसेसर लगा है वो उसको प्रोसेस करता है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। और उसके साथ साथ हमने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके यूजेस और लिमिटेशंस पड़ी हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी। चलिए देखते हैं अब क्या आता है हमारे पास, वर्चुअल रियलिटी। व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी रेफर्स टू द कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन इन विच अ पर्सन कैन इंटरैक्ट विद इन एन आर्टिफिशियल थ्री डायमेंशनल एनवायरमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, स्पेशल गोगल्स विद अ स्क्रीन और ग्लोव्स फिटेड विद द सेंसर, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, ऑलरेडी जो चीज एग्जिस्ट कर रही है रियल वर्ल्ड में वो उसकी इंफॉर्मेशन देता है। वर्चुअल रियलिटी में क्या है, जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो उसको क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं हम। यानी क्रिएट इन द सेंस हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं और इस तरीके से हमारे हाथों में सेंसर्स लगे होते हैं, वो क्या करता है, जो भी चीज हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, हम उस डिवाइस का यूज करके हमारी आईज पे हमें ऐसा लगेगा कि वो सारी चीज हम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे, बाय यूजिंग अवर हैंड्स। यानी अगर मैं अपने हैंड से दिखाऊंगा कि भाई एक मेरे सामने ब्लॉक है, तो अगर मैं उसको, जैसे कि अगर मैं अपने, आपने देखा होगा कि अगर आपने अपने फोन में अगर आपने स्क्रीन को जूम करना हो तो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो। ठीक है, जब आपको अपनी स्क्रीन पे जूम करना हो तो आप ऐसे करोगे। उसी तरीके से जब आप अपने हाथों में उन सेंसर्स को पहन लोगे और डिवाइसेस जो हैं उस हाथ के सेंसर से जब कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, कोई भी अगर आपके सामने कोई भी चीज इमेज बनी हुई है तो वो क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये इसके सामने क्या है, कोई चीज इसको शो हो रही है, इन द सेंस ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, वो कैसे शो हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये जो इसने वर्चुअल रियलिटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट पहना हुआ है वो उसको जस्ट शो हो रही है उसकी आईज पे। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड को नहीं देख रहा है, वो रियल वर्ल्ड को देख भी नहीं रहा है और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, स्टिल उसके आसपास चीजें क्या है, उसके सराउंडिंग एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है। क्रिएट कैसे करा गया है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी ने, आपने, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आपका जो आयरन मैन है वो उसमें भी वो क्या करता है, इसी तरीके से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर क्रिएट करी गई है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो एक्चुअल में जो चीज है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है फिर भी क्या है, वो उसको शो होती है और वो शो करने के साथ साथ उसके हाथ पे जो सेंसर्स होते हैं, जिस हिसाब से आपका हाथ काम करेगा उसी तरीके से क्या होगा, ये सारी चीजें आपके सामने जो इसको शो हो रही है उसी तरीके से चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज द वर्चुअल रियालिटी। वर्चुअल रियालिटी मीन्स चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही है रियल वर्ल्ड में, वो सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है और वो सिर्फ किधर शो हो रही है, वो एक्चुअल में इस डिवाइस के अंदर शो होती हैं और इस डिवाइस के अंदर क्या है, इतनी पास है, यानी हमारी आईज के इतनी पास है तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में हमारे सराउंडिंग यानी हमारे आसपास ही क्रिएट हो गई हैं। तो दैट इज व्हाई द वर्चुअल रियलिटी रेफर्स टू द कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन इन विच अ पर्सन कैन इंटरैक्ट विद एन आर्टिफिशियल थ्री डायमेंशनल एनवायरमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि थ्री डायमेंशनल एनवायरमेंट क्रिएट करा गया है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या था, यानी रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन यानी उसके फीचर्स को हम, वो क्या करता है, ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल डिवाइस बताता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारी जो डिवाइस है वो एक्चुअल में कोई आसपास की सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहे हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है और वो वर्चुअल वर्ल्ड क्या करता है, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने शो होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें ऐसा फील होता है यानी हमें ऐसा लगता है कि वो सारी चीज क्या है, हमारे आसपास ही क्रिएट हो रही है।
है, ठीक है। इन दिस एनवायरमेंट, इन दिस स्टिमुलेटेड एनवायरमेंट द यूजर इज एबल टू हैव अ रियलिस्टिक फीलिंग एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने बताया उसको क्या लगता है कि ये सारी चीजें उसके आसपास ही क्रिएट हो रही हैं इन द सेंस कि उसको है नहीं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फिर भी उसको फील होगा कि हाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो वो क्या करता है, उसके छूने की कोशिश करता है, और जो उसके हाथ पे सेंसर्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं, उन चीजों को उस तरीके से चेंज करना भी स्टार्ट कर देते हैं। आजकल ऐसे भी डिवाइस बन चुके हैं, ठीक है। तो दैट इज बेस्ड ऑन आवर वर्चुअल रियलिटी, की वर्चुअल रियलिटी किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आता है उसका हमारा जो है 3D वर्ल्ड्स, ठीक है, यानी जो 3D पिक्चर्स होती हैं जो आपकी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। या अगर आप 3D मूवीज देखने गए हैं तो आप देखते हैं कि आपको लगता है कि वो सारी चीज क्या है, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो रही है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। वो होता क्या है, स्क्रीन पे ही सब कुछ हो रहा होता है और उसमें कुछ इस तरीके से इफेक्ट्स डाले होते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो सारी चीज क्या है, यानी वो जो मूवी है आपके बिल्कुल आंखों के यानी आपके बिल्कुल पास में हो रही है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, आपको फील होता है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड जो है आपके रियल वर्ल्ड के साथ साथ यानी आपके साथ यानी आपके आसपास ही हो रहा है। उसी तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस इमेज में क्या है कि ये जो दो पर्सन जो पेरेंट्स और जो बच्चे बैठे हैं वो क्या है, एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ये जो क्रिएटेड है दिस इज द होलोग्राम जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ 3D वर्चुअल इमेज यानी 3D वर्चुअल रियालिटी। यहाँ पर ये जो दो पर्सन है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी क्या है एक 3D इमेज क्रिएट करी गई है और वो यहां पर क्या कर रहे हैं, इन दोनों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वी कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। उसी तरीके से ये जो सारी चीजें हैं यहां पर जो हमारे क्या कर रहे हैं, यहां पर हमारे जो लोग हैं रियल वर्ल्ड में वो क्या कर रहे हैं, एक वर्चुअल ट्रेनर के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो क्या शो हो रहा है इसमें कि वर्चुअल वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं लेकिन उसके आसपास एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। वो इन द सेंस कि यहां पर ये जो चीज है ये रियल वर्ल्ड है, ये क्या है हमारे आसपास क्या करा गया है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि जो सामने जो ट्रेनर है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली और इट इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन दैट रियल वर्ल्ड, ठीक है। रियल वर्ल्ड में सिर्फ यही 4% है जो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बस उनको एक तरीके से क्या कह सकते हैं, मोटिवेशन के लिए उनको क्या करा गया है, इस वर्चुअल ट्रेनर को वहां पर रखा गया है ताकि वो भी उनको लगे कि जो ट्रेनर है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और वो क्या कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यहां पर वो कोई ट्रेनर नहीं है, वो वहां पर सिर्फ क्या है, एक उसका काइंड ऑफ होलोग्राम बना दिया गया है जिस वजह से उसको शो हो रहा है वो सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा हमारा जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो काम करता है। वर्चुअल वर्ल्ड में मतलब कि हमारे सामने एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है और एक ऐसा एनवायरमेंट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो एनवायरमेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो रियल वर्ल्ड नहीं होता, वो क्या होता है, वर्चुअल वर्ल्ड होता है। क्योंकि हम उस चीज को छू नहीं सकते, सिर्फ एक तरीके से एक वो 3D इमेज बन रही है, उसको हम छूने की कोशिश करेंगे भी तो क्या होगा, वो हमारे हाथों में कभी नहीं आएगी, क्योंकि इट इज जस्ट इन आवर मशीन, वो मशीन के अंदर हो रहा है और वो मशीन क्या कर रही है, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर रही है हमारे आसपास जिससे हमें ऐसा फील होता है कि वो सारी चीज क्या है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है लेकिन रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। जबकि हम बात करें ऑगमेंटेड रियलिटी की, तो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या था, ऑगमेंटेड रियलिटी में चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं रियल वर्ल्ड में, जो कि हमारे सामने है जो भी चीज है, ठीक है, उसकी एड ऑन इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास नहीं होती है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें शो कर देता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी की, तो वर्चुअल रियलिटी के क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा आता है फुली इमर्जन। फुली इमर्सिव जो हमारी वर्चुअल रियलिटी होती है वो वीडियो गेम जैसे चीजों में यूज करी जाती है ताकि वो किस तरीके से वो ऐसा लगे कि एक्चुअल में, जैसे कि सपोज एक बंदा है और फ्लाई करते हुए नीचे आ रहा है तो उसको क्या करा जाएगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाएगा। देखो ये जो 3D यानी ये जो पर्सन है उसको इस तरीके से क्या करा गया है, लटकाया गया है, ठीक है। और साथ साथ क्या है, वो जो ये जो आप इसने डिवाइस डाला हुआ है वो डिवाइस क्या करेगा, उसकी आईज पे इस तरीके से इमेज शो करेगा, यानी उसको ऐसा लगेगा कोई एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो ऊपर से हवा में नीचे गिरते हुए आ रहा है, ठीक है। और जो इसको इस तरीके से यहां पर ये जो
रस्सी उसे बांध रखा है, वो क्या करेगा, उसको एक इस तरीके से फीलिंग देगा कि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो फ्लोट करते हुए नीचे आ रहा है हवा में, ठीक है। और जो उसको बेसिकली कोई भी पर्सन है उसको कैसे लगेगा कि वो एक्चुअल में हवा में नीचे गिरता है, कि उसकी आंखों में शो करा जाएगा कि वो एक्चुअल में नीचे गिरते आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, वो वहीं का वहीं खड़ा है और उसको क्या है, बस इन रस्सियों के थ्रू क्या करा जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करा जाता है, ठीक है, जिससे उसको फील होता है कि हाँ वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है एयर में। और उसके आसपास का एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे कि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, उसको फ्लोट कर रहा है एयर में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीजें कहां यूज करी जाती हैं, फुली इमर्सिव जो टेक्नोलॉजी है वो कहां यूज करी जाती है, आपकी वीडियो गेम्स में, ठीक है, वीडियो गेम्स में इसका यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आती है सेमी इन्वर्सिव आपकी जो ये है आपकी वर्चुअल रियलिटी है, इनका यूज बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए करा जाता है। जैसे कि हमारी पायलट की ट्रेनिंग है, उसमें क्या करा जाता है, उसको एक कॉकपिट में क्या कर दिया जाता है, बेसिकली उसको एक कॉकपिट में बिठा दिया जाता है, और ये एक्चुअल में क्या है, ये प्लेन में नहीं बैठा है, ये क्या है, ये इसके सामने स्क्रीन्स हैं और ये इसके सामने क्या है, इस तरीके से डिवाइसेस बना रखी हैं, और वो क्या लगेगा उस पायलट को, क्या लगेगा कि ये एक्चुअल में प्लेन उड़ा रहा है, उसको ये सारी चीज ऐसा फील होगा कि ये क्या कर रहा है, प्लेन उड़ा रहा है, तो उसको इस तरीके का एक्सपीरियंस जनरेट होगा कि जब उसको एक्चुअल में जब प्लेन दिया जाएगा, रियल वर्ल्ड में जब प्लेन दिया जाएगा, तो उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से प्लेन को टेक ऑफ कराना है, उसको किस तरीके से लैंड कराना है, कितने डिस्टेंस पे उसको क्या करना है, टेक ऑफ कराना है, कितनी स्पीड पे उसको, कितनी स्पीड अटेन हो जानी चाहिए प्लेन की, उस तरीके से उसको क्या करा जाता है, एक सेमी इन्वर्सिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाता है, और दैट इज वी कॉल्ड इट इज अगेन अ वर्चुअल रियलिटी, क्योंकि वो वर्चुअली एग्जिस्ट कर रही है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो तभी एग्जिस्ट करेगी जब वो एक्चुअल प्लेन में, यानी नॉर्मल जो हमारा रियल वर्ल्ड में जो प्लेन एग्जिस्ट करता है, वो जब उसको क्या करेगा, फ्लाई करेगा, तब वो क्या होगी, हमारी रियल वर्ल्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी क्या है, ये वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो सेमी इन्वर्सिव जो टेक्नोलॉजी है, सेमी इन्वर्सिव जो हमारी वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, उसको किस तरीके से पर्पस के लिए यूज करा जाता है, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ठीक है। उसको एक यानी उनको एनवायरनमेंट दे दिया जाता है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो और उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और उनको फिर फर्दर फ्यूचर में क्या कर सकते हो, आप उसको रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो सेमी इन्वर्सिव टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, हमारा यूज जाता। उसके बाद आती है नॉन इमर्सिव टेक्नोलॉजी। उसमें क्या है, बेसिकली आपके सामने स्क्रीन है और उसके सामने ही आप क्या कर रहे हैं, 3D इमेजेस वगैरह देख रहे हैं, दैट इज वी कॉल्ड आवर नॉन इमर्सिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, अगेन आपका टीवी जब चल रहा है, यानी आपके सामने 3D पिक्चर चल रही होती है, तो क्या होगा, उसमें भी आपको क्या लगेगा कि सारी चीजें आपके सामने हो रही है लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आवर नॉन इमर्सिव टेक्नोलॉजी। वो बेसिकली क्या है, इट इज अगेन वर्चुअल रियलिटी, यानी वो चीजें आपको लगेगा कि आपके सामने हो रही है लेकिन एक्चुअल में वो नहीं हो रही होती है, वो सिर्फ टीवी के अंदर हो रही होती है, या अगर आप सिनेमा हॉल में देखने जाते हो तो वो क्या हो रही होती है, सिर्फ आपके पर्दे पे हो रही होती है, वो आपके सामने एक्चुअल में नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आते हैं हमारे, इसके बाद आते हैं इसकी एप्लीकेशन जैसे कि मैंने बताया, अगेन इसका एजुकेशन में हम यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में सपोज कि कोई एक साइंटिस्ट है जिसको एक कोई केमिकल ड्रग बनाना है, लेकिन अगर उसको केमिकल ड्रग बनाना होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने सॉफ्टवेयर का यूज करेगा, कंप्यूटेशनल मेथड का यूज करेगा, और उसको क्या करने करेगा, उसके बाद वो चेक करेगा कि ये डिवाइस ये केमिकल इसके साथ रिएक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। वहीं अगर ये वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड कोई डिवाइस अपने को पहन ले, यानी उसको वियर कर ले, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसके बाद वो आपका उस वो वर्चुअल रियलिटी बेस्ड जो डिवाइसेस होंगी वो क्या कर पाएंगी, वो उसको शो कर पाएंगी उसके सामने कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स, किस तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने क्या होएंगी, पिक्चराइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब उसके सामने ये सारी चीज़ें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी तो उसको क्या लगेगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक्चुअल वर्ल्ड में हो रही हैं, यानी रियल वर्ल्ड में हो रही हैं। तो वो क्या होगा, वो इन चीज़ों को क्या कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके उसको एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा केमिकल उसको यूज करना चाहिए एक पर्टिकुलर ड्रग को बनाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से कोई फिजिस्ट है वो भी क्या कर सकता है, इन चीजों का यूज कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से मेडिसिन में यूज करा जा सकता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन और आर्किटेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था कि कोई भी एक
आर्किटेक्चर है या इंटीरियर डिजाइनर है वो क्या कर सकता है, इन डिवाइसेस का यूज करके क्या कर सकता है, अपने इन अपनी जो उसको डिजाइन करना है या उसको कोई बिल्डिंग बनानी है तो वो क्या कर सकता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड में बनाकर एक उसका फ्रेमवर्क तैयार कर सकता है और फिर उसको क्या कर सकता है, वो उसको रियल वर्ल्ड में बनाने के लिए उस प्रपोजल को रख सकता है और उसको एक्चुअल वर्ल्ड में बना सकता है। उसी तरीके से इसका गेम और एंटरटेनमेंट के लिए भी इसका काफी यूज होता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमने इसके बारे में पढ़ा कि कोई भी पर्सन जब फ्लोट कर रहा है उसको क्या कर रहा है, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया गया है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक्चुअल में उसको क्या लग रहा है कि फ्लोट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, सिर्फ रस्सियों से बंधा हुआ है और उनको क्या करा जाता है, रस्सियों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करा जाता है तो उसको फील होता है कि वो ऊपर नीचे जा रहा है और उसके आंखों पर जो डिवाइस लगा रखा होता है उसको ऐसा फील होगा कि वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअल में नीचे क्या कर रहा है, फ्लोट करते हुए नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी वर्चुअल डिवाइसेस जो है वो काम करती हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि इसका बेसिकली एजुकेशन पर्पस यानी ट्रेनिंग के लिए यूज करा जा रहा है, साइंटिफिक पर्पस के लिए करा जा रहा है और उसके साथ साथ जो इसका बेसिकली जो मैंने बताया कि हमारा मेडिसिन करके लिए, गेम्स और एंटरटेनमेंट के लिए और उसके अलावा और भी यानी आपका आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए भी इनका यूज करा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक टेक्नोलॉजी के अगर एडवांटेजेस हैं तो कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, उसके एडवांटेज जैसे कि हम जानते हैं कि इट कैन बी क्रिएटेड बेटर देन रियलिटी, यानी जो एक्चुअल जो रियल वर्ल्ड है उसको क्या करा जा सकता है, रियल वर्ल्ड से भी अच्छा वर्ल्ड उनके सामने शो करा जा सकता है। ठीक है, जो एक्चुअल में चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकती उनको भी क्या कर सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू हम शो कर सकते हैं। ठीक है, यूज्ड इन वेरियस फील्ड, यूजर्स हैव ऑसम एक्सपीरियंस, गिव डिटेल्ड व्यू। ठीक है, डिटेल्ड व्यू दिया जा सकता है, कनेक्ट विद पीपल यानी पीपल के साथ कनेक्ट करा जा सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करा जा सकता है। दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बेसिकली द एडवांटेजेस ऑफ आवर वर्चुअल रियलिटी। उसके बाद क्या है कि जो हमारी कॉन्स क्या आते हैं, इसके कॉन्स बेसिकली क्या है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें क्या है, एक बहुत ही छोटी सी डिवाइस पे बनाई गई हैं, यानी उनको यानी जो बड़े बड़े प्रोसेसर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट करा जाता है तो उनकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है द कम्युनिकेशन शुड नॉट बी रिप्लेस फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल। उसके साथ साथ फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, यूजर एडिक्ट्स टू द वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, जो यूजर है वो एक्चुअल में वर्चुअल वर्ल्ड के क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, और जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि अगर हम बात करें पबजी की, ठीक है, पबजी एक इट्स अ गेम, लेकिन हमें देखने को मिला है कि जो पबजी से रिलेटेड बहुत से ऐसे लोग हैं यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बहुत से ऐसे पर्सन है वो इन चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं तो उनको क्या होता है, वो इस चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं तो वो बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी ना देते हुए वो उसी चीज़ों को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज वन ऑफ द कॉन ऑफ आवर वर्चुअल रियलिटी। उसके बाद क्या है, द टेक्नोलॉजी इज स्टिल एक्सपेरिमेंटल, यानी अभी भी क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, उसको अभी भी एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में कहीं बहुत कम ही यूज़ करा जा रहा है, यानी नॉर्मल लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में, अभी उसको सिर्फ लैब पर्पस के लिए ही यूज करा जा रहा है। उसके साथ साथ ट्रेनिंग इन वीआर एनवायरनमेंट इज नॉट रियल, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि अगर वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी एनेबल्ड की डिवाइसेस का यूज करके अगर मैं किसी को ट्रेनिंग देता हूं तो सबसे बड़ा कंसर्न ही ये रहेगा कि वो जो वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में किसी ने जो ट्रेनिंग ली है वो क्या एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में, अगर मैं बात करूं पायलट की, पायलट को एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दे दिया लेकिन क्या वो रियल वर्ल्ड में वो प्लेन एक्चुअल में उड़ा पाएगा, क्यों, क्योंकि जब वो उड़ाएगा तो वो एक्चुअल में जब प्लेन उड़ाएगा तो एक तो उसको बहुत ही कॉस्टली डिवाइस को उड़ाने के लिए दिया जा रहा है, उसके साथ साथ अगर उसको पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं इन केस तो इन दैट केस उसके हाथों में 50 लोगों की जान होगी। तो इसलिए ये सारे कंसर्न्स जो हैं अभी भी जो हमारी वर्चुअल रियलिटी बेस्ड जो डिवाइसेस हैं हमारे को देखने को मिलते हैं, यानी ये सारे क्या है, उसके कौन है, यानी हम रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ क्या कर सकते हैं, सिर्फ शो कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में जो ट्रेनिंग दी जा रही है या जो एजुकेशन या जो दे सकते हैं वो एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, इट इज स्टिल डाउटफुल, यानी उनका यूज करना अभी भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड इज ईजी टू हैंडल, यानी वर्चुअल वर्ल्ड को हम अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसमें हमारी चीजें बहुत सारी चीजें
कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट इजी टू से कि भाई वर्चुअल वर्ल्ड में हमने ट्रेनिंग ले ली तो दैट इज इनफ। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में आते ही वो चीजें क्या हो जाती हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बेसिकली द आवर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, जैसे कि मैंने बताया वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के हमारे डिफरेंसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, हमारा हमारे सामने एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है और रियलिटी में वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, चीज़ें यानी रियल वर्ल्ड में जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके फीचर्स को शो करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, द यूजर्स एंटर्स एन एंटायर इमर्सिव वर्ल्ड एंड कट ऑफ द रियल वर्ल्ड। ठीक है, वो क्या होता है, रियल वर्ल्ड से कट ऑफ ही हो जाता है क्योंकि उसके सामने रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, उसको एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट, एक इमेजेस क्रिएट करी जा रही है उसके सामने, तो वो क्या है, दैट इज द वर्चुअल वर्ल्ड। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, वो उसका कट ऑफ नहीं होता, वो वर्चुअल यानी वो वर्चुअली क्या करता है, एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों के साथ कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करा जा रहा है, जो रियल वर्ल्ड में जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं की ही इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, एवरीथिंग अराउंड द यूजर इज फैब्रिकेटेड बाय द सिस्टम, दिस में डिस्प्ले इनसाइड अ ब्लैंक रूम हेडसेट और अदर डिवाइसेस दैट अलाउ द यूजर टू फील प्रेजेंट इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ अवर वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, द वीआर माइट वर्क बेटर फॉर वीडियो गेम एंड सोशल नेटवर्किंग इन वर्चुअल एनवायरनमेंट सच एज सेकंड लाइफ और इवन प्लेस्टेशन होम। ठीक है, लेकिन द एआर यूजेस डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन एंड वियरेबल डिवाइसेस। जैसे कि हमें पता है कि जो एआर है यानी हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी है, वो क्या करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस का या बेसिकली हमारे फोन का ही उसमें यूज करा जाता है, विच कंटेन सॉफ्टवेयर सेंसर एंड कंपास एंड स्मॉल डिजिटल प्रोजेक्टर विच डिस्प्ले इमेजेस ऑन द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वही जो चीज मैंने आपको पहले अभी ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बताई है, वही सारी चीजें यहां पर आपको डिफरेंसेस के फॉर्म में शो हो रखी है। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर बेसिकली द डिफरेंसेस ऑफ अवर ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या है कि एक एनवायरमेंट क्रिएट करा जा रहा है, वो एक्चुअल में होता नहीं है, डिवाइसेस के अंदर शो करा जाता है और आपको एक ब्लैंक रूम में यानी एक खाली रूम में बैठा दिया जाता है और वहां पर आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज आपके सामने है लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। और वहीं मैं ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करूं तो ऑगमेंटेड रियलिटी में जो रियल वर्ल्ड में एक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी रियल वर्ल्ड में जो चीजें हैं उन्हीं के ही फीचर्स बताए जाते हैं, उन्हीं का ही एड ऑन करा जाता है। ठीक है, जो चीजें आपके सामने शो नहीं हो रही है यानी जो फीचर्स आपके सामने शो नहीं हो रहे हैं वो क्या करता है, ऑगमेंटेड रियलिटी एनेबल्ड डिवाइसेस जो हैं वो क्या करते हैं, उन चीजों को कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद उसकी उस इमेज को क्या करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उस चीज की इंफॉर्मेशन आपके सामने शो कर देते हैं। ठीक है, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज द ऑगमेंटेड, यानी ऑगमेंटेड का मतलब ही क्या है, किसी चीज को एनहांस करना, और एक है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इमेजिनरी वर्ल्ड मतलब कि वो वहां पर कुछ है नहीं लेकिन फिर भी क्या करा जा रहा है, उधर एक ऐसी चीज क्रिएट करी गई है जिससे आपको लगेगा कि वहां पर क्या है, वहां पर वो चीज शो है। ठीक है, तो ऐसा फील होगा आपको कि वहां पर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो जिससे आपको फील होगा, तो दैट इज वी कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। और वो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि आप अगर अपने हैंड्स को मूव करेंगे तो वो सारी चीजें भी उसी तरीके से क्या होती हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो आपको फील होता है कि वो आपको वो जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है जो वर्चुअल रियलिटी में क्रिएट करा गया है वो आपको क्या लगेगा कि हाँ एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल रियलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वर्चुअल रियलिटी और हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली व्हाट आवर वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, देयर यूजेस, देयर एप्लीकेशंस, देयर लिमिटेशंस और उसके साथ साथ उनके डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमने अभी तक इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके से आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और इवन आप देखते हैं कि आपका कोई भी डेटा जो है वो क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ही आपका डेटा आपका क्या करा जाता है, स्टोर करा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि मैंने आपको बताया है कि यूपीएससी ने इसे पूछा था। ठीक है, और आई होप आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन।
तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।